सो दैट इज अ बिग डिफरेंस. सो ऑलवेज टॉक अबाउट क्रिकेट. आज आप लोग अच्छी क्रिकेट आपने खेली, आपका फिनिश अच्छा किया हार्दिक पांड्या ने, कोहली ने एज यूजुअल आपकी एक दफा फिर बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, आप लोगों को सहारा दिया, ऊपर से पावर प्ले में आप रन नहीं कर सके, और जब आपका बॉलिंग पावर प्ले आया तो आप जीत नहीं सके. सो बेसिकली आप अपना बॉलिंग पावर प्ले भी हार गए, आप अपना बैटिंग पावर प्ले भी हार गए, और दैट इज अ सेट बैक टू एवरी टीम इन दिस वर्ल्ड कप. यस, अब इतना वन साइडेड मैच हुआ आज, मतलब भारत इतनी बुरी तरह हारा है आज. ये पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए कि जो आज भारत के साथ किया है इंग्लैंड ने, बिल्कुल ये फाइनल में कितनी तैयारी करना पड़ेगा. बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड टीम, मैं डे वन से बात कर रहा हूं कि अगर आप सारी टीमों को देखें तो खेली है, इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक बदतरीन शिकस्त दे दी है, एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है. 10 विकेटों से एक बार फिर भारत को शिकस्त मिली है. इससे इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक बदतरीन शिकस्त दे दी है, एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है. 10 विकेटों से एक बार फिर भारत को शिकस्त मिली है. इससे पहले पाकिस्तान ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी. अभी उसी शिकस्त का जख्म ताजा था कि एक बार फिर उस पर एक और बड़ा कारीवार हुआ है इस बार, और इंग्लैंड ने भारत को एक बहुत बड़ी शिकस्त दे दी है. T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता हुआ देख रहे थे, पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल के लिए उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन बीच में आ गया है इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने पाकिस्तान इंडिया फाइनल होने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट जो थी उसको अब जो है वो भारत के लिए, अब उस रुकावट की वजह से भारत इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से आउट हो गया है, बाहर हो गया है, और अब भारतीय उम्मीदें जो है वो खाक में मिला दी है. इंग्लैंड ने क्या कमाल का आज ताबड़तोड़ किस्म का लाठी चार्ज, मैं कहूंगा अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, क्या बड़ा लाठी चार्ज किया है इंग्लैंड ने. और नो वन वाज एक्सपेक्टिंग लाइक दैट कि इंडिया इस तरह से हारेगा. T20 वर्ल्ड कप में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट इकोनॉमी, दुनिया का सबसे बड़ा खुद को क्रिकेट का ठेकेदार समझने वाली, अगर मैं कहूं कि ये क्रिकेट इकोनॉमी आज पाश पाश होकर रह गई है, और क्या जबरदस्त मगर की शिकार है, ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, लेकिन वही टीम पहली बार फाइनल में पहली टीम बन गई अपनी परफॉर्मेंस से. और आज अगेन आज बड़ा शानदार मैच देखने को मिला, सेकंड सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड, और किसी ने नहीं सोचा था कि इतना वन साइडेड मैच होगा. मैच से पहले बड़ी उम्मीदें थी इंडिया से, कहा जा रहा था कि जी 50-50 भी हो सकता है, पर भारत जो है वो इंग्लैंड को बड़ा टफ टाइम दे सकता है. लेकिन आज क्या कुछ हुआ, मिडिल ऑर्डर में उनके क्या कुछ मसले हुए, टॉप ऑर्डर अगेन उनका सफर करता हुआ भारत तंग आया पूरी तरह, उस तमाम सिचुएशन पे होगी. और अब हाईलाइट ये है कि भारत बाहर हो चुका है. जी हाँ, वर्ल्ड कप से भारत अब बाहर हो गया है, और अब टाकरा होगा फाइनल के मैच में, शाहीन मैदान में उतरेंगे और उनके अगेंस्ट होंगे इंग्लैंड. जी हाँ, अब ये शानदार मैच अगेन इंटरेस्टिंग हो गया है. वो जो उम्मीदें थी बड़ी के पाक भारत टाकरा एक बार फिर हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका, और सारी सिचुएशन सबकी प्रेडिक्शन खत्म हो गई है. बहुत से लोग कह रहे थे कि जी इंग्लैंड फाइनल में जाएगा, तो तौसीफ अहमद साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जिन्होंने प्रेडिक्शन भी की थी कि इंग्लैंड कल के मैच में. इतना वन साइडेड मैच हुआ आज, मतलब भारत इतनी बुरी तरह हारा है आज. ये पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए कि जो आज भारत के साथ किया इंग्लैंड ने, बिल्कुल ये फाइनल में कितनी तैयारी करना पड़ेगा. बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड टीम, मैं डे वन से बात कर रहा हूं कि अगर आप सारी टीमों को देखें तो खेली है इस वर्ल्ड कप में, उनकी टीम सबसे ज्यादा डेप्थ वाली टीम है, इन द सेंस के उनकी जो बैटिंग है वो नंबर 9-10 तक जाती है. मतलब उनका जो बैट्समैन आता है, 9-10 पर भी जो प्लेयर आता है, वो भी मतलब इतना उसके पास एबिलिटी है कि वो एंड में तेजी से रन कर सकता है. उनकी